सो आप डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पेजेंट रिवोल्ट इन असम। सॉरी। सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स इन इट। 3.0 से 3.3 तक हैं, सो वी विल कवर वन और टू टॉपिक्स टुडे। दिस इज आवर टॉपिक नेम एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पेजेंट रिवोल्ट। टू थिंग्स इन इट। पेजेंट रिवोल्ट मीन्स फार्मर्स रिवोल्ट and anti-British activity means farmers anti-British activity. Anti-British here means non-cooperation with the British. सो बहुत से लोगों को पहले से इसकी आइडिया है, लेकिन इस वाले क्लास में वी शैल डिस्कस कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें कहाँ पे फोकस ज्यादा करनी चाहिए, इस वाले अपकमिंग हाफ ईयरली के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेंगे और फाइनेंस के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट ब्रॉड 2 मार्क 3 मार्क सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक इंट्रोडक्शन दिया गया है 3.0 में। टॉपिक नेम इज एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम। ब्रिटिश के खिलाफ लोग कैसे आंदोलन करने लग गए असम में, दिस इज द टॉपिक। हाउ डिड द पीपल गो अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये वाली हमारी जो है टॉपिक का नाम है। सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि बाय 30s एंड 40s ऑफ 19th सेंचुरी, इसका मतलब है 1830 एंड 1840, इसका यही मतलब है। बाय 80s एंड 30s से यही मतलब है 19th सेंचुरी। सो इस वक्त में हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर इन इंडिया। मुगलों को हराकर और यहाँ आसाम में आके अहोम्स को हराकर ब्रिटिश जो है वो बहुत बड़ा एक पावरफुल पार्टी या फिर पावरफुल टीम कह सकते हैं, रूलर बन गया था इंडिया का। पहले मुगल्स थे, आसाम में अहोम्स थे, अब ब्रिटिश हम पर डायरेक्ट रूल कर रहा था और ब्रिटिश इस वाले सालों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। हालांकि बहुत पहले से उनको कुछ कंपनी के राइट्स मिल गए थे जिसके बारे में हमने 9 में डिस्कशन की है, बट फुल कंट्रोल हम कह सकते हैं कि एक तरह का फुल कंट्रोल जो है इन ईयर्स में भी बहुत ज्यादा इन ईयर्स में होता है। इसके करीबन 100 साल बाद हमें आजादी मिलेगी 1947 को, अगर आजादी पकड़े तो उसके 100 साल पहले वाली बातें कर रहे हैं। इन आसाम दे क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बेस एंड सक्सेसफुली थ्वार्ट ऑल पॉसिबल अपराइज। आसाम में क्या किया उन्होंने, जैसे पूरे इंडिया में किया था, आसाम में भी उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया एंड सक्सेसफुली थ्वार्टेड का मतलब होता है कि स्टॉप्ड। सक्सेसफुली उन्होंने उन सारे पॉसिबल रेबल्स या रेबेलियंस को रोक दिया था, ठीक है, सारे अपराइजिंग जो लोकल लोग जो कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन सबको रोक दिया था। दो लोग बहुत फेमस थे यहाँ पे, इनके नाम को हम सर्कल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, गोमदोर प्योली फुकन। इन्होंने भी रेबेलियन किया, मतलब रिवोल्ट्स, इनके रिवोल्ट्स भी ब्रिटिश ने रोक दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ कि दे एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, एक नया रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने लाया, brought a new revenue system, और जो आसाम का टोटल इकोनॉमी है उसका कंट्रोल ले लिया।
In this revenue system, the foreign government attached more importance to collection of taxes. So, इस वाले revenue system था कि how can they collect more taxes? ठीक है, taxes मतलब money, कैसे वो money make कर सकते हैं, वही उनका target था आसाम में आने के बाद. याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि they did not talk about the welfare. ठीक है, किसी का जो डेवलपमेंट सही वर्ड रहेगा, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा. सिर्फ एक चीज मनी मेक करनी है और ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को इम्पोज करनी है, इसके बारे में सोचा. और नया मनी सिस्टम उन्होंने लाया, इसके बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर सवाल आता है. यहाँ पे देख सकते हो, दे टुक नो मेजर्स टू एंश्योर द सोरोस और डिफिकल्टीज ऑफ द पेजेंट्स ऑफ द पॉवर्टी रिडन सब्जेक्ट्स. गरीबों के दुख के बारे में ना ही उन्होंने समझने की कोशिश की, ना उन्हें मिटाने की कोशिश की, ना जो उनको डिफिकल्टी फेस हो रही थी उनको हटाने की कोशिश की. देयर ओनली टारगेट वॉज टू अर्न मनी, इम्पोज मोर टैक्सेस. तो आसाम में उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें आसाम में उन्होंने क्या किया. सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आएगा, जो तुम्हें याद रखनी है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैश. कैश का इंट्रोड्यूशन क्या मतलब, मानी कैश में देना पड़ेगा, कमोडिटीज में देने से नहीं होगा. और जो कैश है, कैश के थ्रू क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को पे करना पड़ेगा. उससे पहले आसाम में सारे चीजें जो है वो बार्टर सिस्टम के जरिए होता था. बार्टर सिस्टम क्या है, हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है. कमोडिटीज के एक्सचेंज को, या कमोडिटीज जब कमोडिटी मनी था उस वक्त की बात कर रहे हैं. सो आसाम में यहां देख सकते हैं कि इन आसाम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रियर टू ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश आने से पहले कैसा था. Prior to British, मतलब ब्रिटिश आने से पहले, रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड थ्रू कैश. पहले रेवेन्यू कैश से कलेक्ट नहीं होता था, लेकिन जब से ब्रिटिश आया तब से रेवेन्यू कैश में कलेक्ट होने लगा. बट द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कैश के बारे में बात होगी. इसको रब कर देते हैं, फिर दूसरे वाले पेज में जाएंगे. So, यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि ब्रिटिश जो है, इस वाले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटिश कब इंडिया में एज ए पावरफुल रूलर साबित हुआ. पहले वाली बात यहाँ पे है, वो हम लोग कह सकते हैं 1830s में, 1840s में ऑफ 19th century. फिर हमने दो रेबल्स के नाम पढ़े, गोमदर कोनो और पियोली फुकोन. ब्रिटिश के सामने ये लोग भी हार गए. ब्रिटिश ने यहाँ पे एक चीज पर, हमने ये दिखा कि टैक्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस दिया, लोगों के डिफिकल्टीज, सोरोस, प्रॉब्लम्स, इन सारे चीजों को, पॉवर्टी को नहीं समझा. और जो टैक्स कलेक्शन है वो उन्होंने कैश में कर दिया. पहले ये नहीं था लोगों के लिए, ये चीज नया था, पहले ऐसा नहीं था. अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है. इस वाले पेज में ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है. Just a second. ऊपर चलेंगे, थोड़ा ब्लर आएगा, स्कैन सही से नहीं हुआ, बुक में देख लेना. सो देखो, लैंड रेवेन्यू जो है पेमेंट के जरिए, मतलब कैश के जरिए, लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, लैंड टैक्स कह सकते हैं. और बाकी जितने भी टैक्सेस हैं, बात करेंगे क्या क्या टैक्सेस बाद में, हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे किस तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए थे ब्रिटिश ने और किस हद तक कलेक्ट किया था. सारे जो है अभी सारे टैक्सेस जो है कलेक्ट कैसे होंगे, कैश के जरिए. ठीक है, द ब्रिटिश फर्दर इम्पोवरिश्ड द एसएमई सब्जेक्ट्स व्हाइल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश इंक्रीज डे बाय डे.
फिर जो ब्रिटिश ने क्या किया, असमिस सब्जेक्ट्स को, असमिस सब्जेक्ट से यहाँ मतलब है असमिस पीपल, मतलब हम लोगों को, असम के लोगों को और ज्यादा शोषण किया, एक्सप्लोटेशन किया, और करते करते जो है डे बाय डे इनका जो एक्सप्लोटेशन रेट है वो बढ़ता गया, और सारे चीजें इन्होंने कर दिया एक ही चीज में, कैश देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो यहाँ पे इसको छोटा करके उसके बारे में बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? देखो पहले जो यहाँ पे लोग थे वो कैश नहीं देते थे, मतलब कैश में सिस्टम नहीं था, कैश वॉज न्यू, ये चीज जो है न्यू था। तो पहले लोग कैसे देते थे? पहले लोग कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया करते थे, कॉमोडिटी प्लस कॉमोडिटी, पहले का सिस्टम ऐसा था, कॉमोडिटी देंगे कॉमोडिटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे किस चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस क्या चीज माइनस में आता है, मार्केट की जरूरत नहीं है, मोस्ट केसेस में बड़ी मार्केट की जरूरत नहीं है, मतलब कॉमोडिटी तो मार्केट, बट बड़े तौर पर मार्केट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं आ रही है, यहाँ पे कैश का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कैश का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। पर जब ब्रिटिश ने आके कहा कि हम सिर्फ कैश लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ गया, देखो अब कॉमोडिटी नहीं चलेगा, ठीक है, कॉमोडिटी नहीं चलेगा, कॉमोडिटी को तुम कॉमोडिटी के साथ बेचो या कुछ भी करो, कॉमोडिटी प्लस उसको मनी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके बाद इक्वल टू क्या होगा, कैश होगा, और ब्रिटिश सिर्फ कैश लेगा। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे मार्केट की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट्स की जरूरत थी, फार्मर्स ले जाके कहीं ना कहीं तो बेचेंगे अपनी चीजों को, बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट की जरूरत थी। और प्रॉब्लम यह था कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट्स थी, मार्केट जो थी वो बहुत दूर थी, और एक प्रॉब्लम यह था कि फार्मर्स को या पेजेंट्स कह ले हम लोग यहाँ पे, इनको जो है सही दाम नहीं मिल रहा था, सही प्राइस नहीं मिल रहा था। तो ऑब्वियसली सही प्राइस नहीं मिलेगा तो तुमने लगाया है उसका सही वैल्यू नहीं मिलेगा तुमको, और जब सही वैल्यू नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे हम लोग कैश में कन्वर्ट करें चीजों को, ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आई होगी, प्रॉब्लम था उस वक्त में, इसको रब करेंगे, नीचे जाके आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, यहाँ एक स्टेटिस्टिक्स देखेंगे उस बीच में। तो देखो यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेते हैं, एक स्टेटिस्टिक्स दिया गया है देखो नीचे कि कितना परसेंट रेवेन्यू असम में काउंट हुआ ईयर वाइज दिया गया है 1857 से लेके, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, थोड़ा यहाँ पे ब्लर है, ये ईयर है 32-33, 42-43, 52-53, ठीक है, कामरूप देख सकते हैं, दरांग देख सकते हैं, नौगांव देख सकते हैं, लखीमपुर देख सकते हैं, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो पहले देखो इतना इतना रुपीस होता था, ठीक है, 32-33 में जब न्यूली ब्रिटिश यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, ठीक 10 साल के अंदर इसका डबल कर दिया देखो, ठीक है, और 10 साल दिए कम से कम इसका और 50% बढ़ा दिया। So you can see the same example here and here and here, सारे examples यहाँ देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से ब्रिटिश का एकमात्र फोकस किस में था, टैक्सेस में था, टैक्सेस मतलब मनी जनरेशन में उनका था, और लोगों के बारे में, और ऊपर से मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात बताया, क्या बात बताया कि मार्केट से अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आप देखो मार्केट नहीं है तो लोगों को तो कैश में को रेवेन्यू देना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, नीचे देखते हैं। सबसे पहले राइट वाले साइड की फोटो को देख लेंगे, इन पर आएंगे बाद में, आनंदराम डेखियल फोकन, ठीक है, बाद में आएंगे इन पर, फोटो देख लो बस। और यहां पर दो क्लास ऑफ पीपल है, एक है महाजन और दूसरे हैं बंगाली बिजनेसमैन, ये हैं क्या एक्चुअल में,
ये दोनों क्लास है क्या एक्चुअल में? ये मनी लेंडर्स है, मतलब उधार में जो पैसे देते हैं, ये क्लास ऑफ पीपल है, कोई इंसान नहीं है। आजस मतलब सारे मारवाड़ी लोग और बंगाली बिजनेसमैन, ओब्वियसली सारे बंगाली बिजनेसमैन। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये मनी लेंडर्स हैं, पैसे देते हैं इंटरेस्ट के रेट पर। मतलब पुराने फिल्मों में जिस तरह से हमने देखा होगा कि कोई एक चौधरी होता है, उसके पास लोग जाते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, पैसे लेते हैं, उसी सिस्टम का था। अब ये जो महाजन हैं उधर में, जो बंगाली बिजनेसमैन हैं, इनका मार्केट इतना हाई कैसे हो गया? क्योंकि लोगों के पास मार्केट्स नहीं था अपने कॉमोडिटीज बेचने के लिए। क्योंकि देखो उस वक्त में गांव था, मैं कोई बैंगन उगाता है तो कोई पोटेटो उगाता है तो कोई कोई दूसरा चीज उगा रहा है, बेचने की जरूरत नहीं है ना, सबके पास अवेलेबिलिटी है। आज के जैसा जनसंख्या भी नहीं थी उस वक्त में, बेचने की जरूरत नहीं आती थी। तो जो भी चीजें कमोडिटी प्लस कमोडिटी मतलब बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था, वो मामूली सी चीजें होती थी। बड़े तौर पर ट्रांजेक्शन जैसे आज के टाइम पे होता है वैसा नहीं होता था। तो लोगों को, लेकिन ब्रिटिश ने अभी आके क्या किया, हमें मनी चाहिए, कैश चाहिए, और नहीं देंगे तो जेल में कर देंगे या फिर उनका प्रॉपर्टी छीन लेंगे। तो लोगों को डर है ना अंदर ही अंदर में। ये दो क्लासेस ऑफ पीपल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा क्लोज जाके अभी इसको स्टडी करेंगे। देखो इसको बोलते हैं न्यू रेवेन्यू पॉलिसी। अगर तुम पर कोई सवाल आता है कि न्यू रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, न्यू रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश का क्या था आसाम में, तो तुम लिखोगे कैश इंट्रोडक्शन पॉलिसी। ठीक है, कैश इंट्रोडक्शन पॉलिसी लिखोगे। और जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कैश को इंट्रोड्यूस किया था और कमोडिटी नहीं लेंगे, सारे टैक्सेस जब जो है जितने प्रकार के भी टैक्स कैश में लिए जाएंगे। तो ये जो न्यू रेवेन्यू पॉलिसी है जमीन का और जो मनी इकोनॉमी है, दोनों ही कैश इंट्रोडक्शन पॉलिसी है एक्चुअल में। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसने क्या किया, लोगों के अंदर में एक सेंटिमेंट क्रिएट किया, रिजेंटमेंट मतलब दुख अमंग द एसएमईज कॉमन पीपल, क्योंकि लोग ये दे नहीं पा रहे थे ना, कैश कहां से लाएंगे, प्रॉब्लम हो गया। अब किसी गरीब को जाके बोलो कि तुम मुझे सालाना 1 किलोग्राम सोना दोगे, तुम्हारा बॉस हो इस जगह का मालिक में, और कहां से देगा वो सोना, किसके देगा? तो कुछ हद तक ये बात उसी तरह से है। हाँ, एक मजेदार बात बताता हूँ, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, लीव मार रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इनका मजेदार एपिसोड देखने को मिलेगा, कब पता है? हाफ एयरली के बाद में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, क्योंकि फोन हाथ में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लोगों का हालत बहुत खराब हो गया, लोग जो है बहुत ज्यादा नाखुश थे इस मनी इकोनॉमी की वजह से। इसने क्या किया, महाजन्स को क्रिएट कर दिया। महाजन्स कौन? एक क्लास ऑफ पीपल, मारवाड़ी, पहले ही बता चुका हूं। तो ये महाजन्स क्या करते थे, हु थ्राइव्ड ऑन द इंटरेस्ट इन असम एंड द एसएमई सब्जेक्ट्स पॉपुलेशन वाज कंपेल्ड टू टेक आउट लोन्स ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम दिस वेरी क्लास टू क्लियर देयर लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो आसामीज लोग अभी क्या कर रहे थे, महाजन लोगों से लोन ले रहे थे। क्या ले रहे थे? लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, समझ रहे हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देके लोन ले रहे थे और ये लगा रहे थे। पुराने फिल्मों में जैसे हमने देखा चूना लगा, उसी प्रकार से चूना लगा रहे थे ये लोग। लोन लिए, इंटरेस्ट ज्यादा रखें, और लोन इनको क्यों लेना पड़ा, लैंड रेवेन्यू चुकाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो है लैंड रेवेन्यू किस में लेगा, कैश में लेगा खाली। तो इससे दो क्लास ऑफ लोगों का जन्म हुआ, एक तो है महाजन्स, पहले पढ़ चुके हैं, और बंगाली बिजनेसमैन, ये भी लोगों को जो है लोन देते थे। इनमें भी एक कंपटीशन था, ठीक है, यहां लिखता हूं, सुनने आएगा, महाजन वर्सेस बंगाली बिजनेसमैन, इनका भी अलग एक कंपटीशन था। क्या कंपटीशन था, इनमें दे रहे थे लोगों को और ये एक दूसरे रेट में टैक्स दे रहे थे। तो ये मान लो अगर ये 20% में दे रहा था तो ये थोड़ा कम में दे रहा था, 15 में। तो इनमें आपस में एक कंपटीशन चल रहा था, पर ऑब्वियसली ये कंपटीशन तो लोगों के फायदे के लिए नहीं है ना, वो
तो अपना फायदा करवाना चाहते थे। तो ये नए क्लास का सिस्टम हो गया ब्रिटिश के मनी इकोनॉमी, मतलब कैश इंट्रोडक्शन करने की वजह से कुछ नहीं लेंगे अभी तुम्हारा चावल वावल ये सब हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए क्या चाहिए, कैश चाहिए कैश। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, थोड़ा वो हो गया है। अब यहां पर देखो, एट द सेम टाइम विलेजेस इन असम वर सेल्फ सफिशिएंट एंड देयर वाज हार्डली एनी स्कोप ऑफ अर्निंग मनी बाय सेलिंग लोकल प्रोड्यूस। यहाँ पे बोला क्या गया, उस वक्त में विलेजेस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट समझते हो, मतलब उस विलेजेस में सब चीजों का होना, द विलेजेस हैड एवरीथिंग, मतलब कोई क्यों खरीदेगा, अगर मेरे पास अवेलेबल चीजें हैं तो मैं क्यों खरीदूंगा। तो विलेजेस क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, लोगों के पास सारे चीजें अवेलेबल थे, तो कोई स्कोप नहीं था, देयर वाज नो स्कोप ऑफ सेलिंग द लोकल प्रोड्यूस। तो कौन खरीदेगा, लोग, मैं भी आलू लगा रहा हूँ, मेरे चाचा भी आलू लगा रहे हैं, मेरा दूसरा भाई भी आलू लगा रहा है, तो आलू बेचेंगे आप सबके, सबके घर में तो आलू है, ठीक है। तो मार्केट की जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, मोरओवर क्या था, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट्स नहीं थे, एंड एडेड टू द पेनवरी ऑफ द कॉमन पीपल, ये इसने और जो है लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। इस वाले लाइन को देखेंगे, इस वाले ये जो येलो कलर में होगा तुम्हारे बुक में, यहाँ पे तो ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में इसको स्कैन किया है। The fact that land revenue struck at the backbone of the Assamese people was also written by Anandaram Dekel Phukan. मैंने कहा था ना Anandaram Dekel Phukan के बारे में बात करेंगे, तो आगे हम के बारे में, इन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू की वजह से लोग कितने परेशान थे इसके बारे में इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन लिखा था, किसको, मुफ्त मील को। मुफ्त मील जो है 1853 में आसाम में आए थे, आसाम का कंडीशन को देखिए, तो इन्होंने एक लेटर लिखा था इनको, और इसी लेटर में उन्होंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट जो है इतने सारे टैक्सेस इंपोज कर रहा है आसामीस लोगों के ऊपर जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना वो दे नहीं सकते, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया। साथ ही साथ में उन्होंने एप्लीकेशन में और क्या क्या चीजें लिखी उसके बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 1853, क्योंकि उस वक्त में जो है मुफ्त मींस यहाँ पे आए थे, ऑफिसर थे यहाँ पर, वो आए थे सिचुएशन को देखने की, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बस वही है। तो यहाँ पर देखो, ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, नो स्टेप्स एट ऑल। सर डेवलप करने के लिए कोई स्टेप तो लेना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप जो है उसे डेवलप करने के लिए नहीं लिया एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली लोग पैसे कहां से देंगे, खेती बाड़ी करेंगे फिर पैसे देंगे ना, उसके ऊपर से क्या एग्रीकल्चर को तो पहले डेवलप किया ही नहीं, क्रॉस मार्क है यहाँ पे। Whenever the climate was unfavorable, मान लो क्लाइमेट अनफेवरेबल था, फ्लड हो गया या फिर फेमिन आ गया जिसमें पानी की स्कॉटेडी रेन नहीं हो रही है, या भूख, कॉमन पीपल ऑफ असम हैड टू फेस फेमिन कंटिन्यूअसली। दो चीजें हो सकती है, नेचुरल होती थी, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता है, अभी भी होता है। कौन से वो दो चीजें हैं, एक है फ्लड आती है, दूसरा है ड्रॉट आता है, ड्रॉट इज लाइक एक्सट्रीम ड्राई वेदर। इन दो कंडीशंस में, कंडीशन वन कंडीशन टू, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे वो इतनी अच्छे से नहीं होती है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है
एक तो लोगों का फ्लड था, ड्रॉट था, दूसरी तरह का क्लाइमेट वाइज प्रॉब्लम था, तो खेती वेती नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको समझना नहीं चाहता था, मतलब वो अड़ा हुआ रहता था कि हमें क्या चाहिए, टैक्सेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट पैसे चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि मुफ्त मिल्स यहाँ पे आए कंपनी का काम देखने, किसका, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ईस्ट इन काम देखने आए। काम देखने आने के बाद क्या हुआ, आनंदराम देकियाल फुकोन ने उनको एक लेटर लिखा, ठीक है, और वो कब आए थे इसके बारे में बात करेंगे, पहले भी बोल चुका हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 1853 में आए थे, पर उन्होंने लेटर में मेंशन किया 2 साल पहले वाली बात, 1851। उसने अपने लेटर में ये बताया कि 1851 में क्या हुआ कि कामरूप के और दरांग के कुछ इलाकों में कंडीशन इतना खराब हो गया कि लोग जो है अपने फैमिली के वैल्यूएबल चीजें बेचने लगे, वैल्यूएबल मतलब कीमती चीजें बेचने लगे। और सबसे दुखद बात यहाँ पे आती है, पेरेंट्स जो है वो कंपेल्ड हो गए क्या करने, अपने बच्चों को बेचने के लिए, किस चीज के, थोड़ा सा ग्रेन या फिर राइस, वन फीस्ट राइस के लिए अपने जो है बच्चे तक को बेचने के लिए तैयार हो गए। तो ये बहुत ज्यादा सैड वाली बात है अगर हम इसको एनालिसिस करके देखेंगे तो। ये बात जो है उसमें लिखी गई थी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखा मुफ्त में इसको, ओबियसली तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें सेंटिमेंट्स, ये सेंटिमेंट देख के जो है मुफ्त मींस पिघल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे देखेंगे इसको, आगे और पढ़ेंगे, बट अब हम लोग क्या आगे वाले पोर्शन को पढ़ लेंगे। लेट मी जूम इन। जैसे मैंने यहां पे बताया कि पेरेंट्स हैड टू सेल देयर चिल्ड्रन, ये वाली एक बात है, बहुत ही ज्यादा सैड दुखद बात है। कुछ और केसेस हैं जैसे इन अपर असम, और भी चीजें हुए अपर असम में, कोलेरा और मिजल से दो तरह की बीमारी है, उसने एपिडेमिक का फॉर्म ले लिया और बहुत सारे लोग मरे, लॉट ऑफ पीपल डाइड। यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि एपिडेमिक्स की वजह से विलेजेस जो हैं, बहुत से ऐसे सेवरल विलेजेस हैं जो खाली हो गए। कौन से टाइम पे हुए, 1839 पे खाली हुए, खाली एनाइलेशन मतलब किलिंग, मरने की वजह से खाली, भाग नहीं गए, बहुत से गांव में सीरियली लोग मर गए 1839 में, 47 में, 52 में, सीरियली बहुत से लोग मर गए। अब ये वाली बात यहां पे खत्म होती है। अब हम लोग जो है अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में चले जाएंगे। अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से मेरा मतलब है 1810, 1820, ये मतलब 1800 से लेके 20 तक का जो टाइम है, ब्रिटिश ने क्या किया, आसाम के अंदर बहुत से टी गार्डन्स, जो अभी हम देखते हैं ना टी गार्डन इतने सारे, वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें उसका बहुत फायदा था। कैसे फायदा था, दे वेर यू नो प्रोड्यूसिंग टी हियर इन आसाम, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड दे वेर सेलिंग इट इन देयर कंट्री। अब शाम के लोग तो इतना चाय नहीं, मतलब चाय वॉज, चाय जितनी फेमस हुई है उस वक्त में इतनी फेमस नहीं थी,
तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोग चाय लगाएं या टी गार्डन बनाएं या इस तरह की चीजें करें इसको एनकरेज करने के लिए, ताकि राइस पल्सेस वीट वगैरह ये सब ना लगा के ये सब लगाएं, इसके लिए क्या किया, टी गार्डन के जो लैंड रेवेन्यू है ठीक है विद इन द टी गार्डन, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। किस लिए? अगर तुम क्या लगाओगे, टी प्लांट करोगे तो, टी प्लांट करोगे तो टैक्स फ्री हो जाएगा जमीन, मतलब टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द बर्डन फॉर मेकिंग अप द लॉस ऑफ द रेवेन्यू फेल अपॉन द पुअर पीजेंट्स। अब क्या हो गया कि जो रेवेन्यू है उसे पूरा करने का बर्डन और ज्यादा गरीबों के ऊपर आ गया। कैसे आया गरीबों के ऊपर और ज्यादा बर्डन? अभी बहुत सारे लोग तो चाय का बगान नहीं खोल सकते ना, और जो लोग रिच थे वो लोग ऑलरेडी चाय के बगान में शिफ्ट हो गए, टी गार्डन में शिफ्ट हो गए, दे वर प्लांटिंग टी, क्योंकि टी में क्या है, लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ रहा था, तो इसलिए वो किसमें शिफ्ट हो गए, टी में शिफ्ट हो गए। लेकिन गरीब लोग तो शिफ्ट नहीं हो पाए, तो टैक्स का बर्डन जो है उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी जो है राइस वगैरह या उसी तरह की चीजें भी उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले चीज को देखते हैं। यहाँ पे आसाम के बोर्ड बहुत से कंडीशंस के बारे में पता चलेगा इस वाले पोर्शन को अगर हम पढ़ेंगे। तो अभी एक चीज यहाँ पे आ रही है कि ब्रिटिश ने सिर्फ मनी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया या और भी कुछ किया, दूसरी चीजें भी उन्होंने किया, सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, लोगों का हाल बेहाल होने में कुछ और भी चीजें शामिल हैं, पैथेटिक कंडीशन मतलब दुखजनक सिचुएशन होने में और भी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे क्या, इन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया असम टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ब्रिटिश ने यहाँ आके कॉटेज इंडस्ट्री जो अपना इंडस्ट्री था, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री को जो है खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं। तो ये अदर देन मनी इकोनॉमी है, जो अपना लोग जो छोटे छोटे जो भी चीजें कर रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करते, ये एक बात होगी। फिर क्या हुआ, आहोम के समय से आसाम में जो है फेमस चीज क्या है, पाट एंड मुगा सिल्क, इसका स्पेशल डिमांड था इंडियन मार्केट में, ठीक है। लेकिन अभी इसका क्या हो गया कि इसका जो पैटर्नेज है, बट द पैटर्नेज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू इंपोर्ट फॉरेन क्लोथ मटेरियल हैड वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द पीपल एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। तो आसाम के लोग जो है, दो नंबर जो चीज जिस पर इंपैक्ट आया वो है पाट एंड मुगा सिल्क है ये एक्चुअल में, इसके बहुत से कपड़े बनते थे आसाम में, एंड ऑब्वियसली इस टाइम पर वर्तमान के समय पर 2021 में भी आसाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन चीजों का, कुछ और भी स्टेट्स हैं फिलहाल नाम याद नहीं आ रहे। पर उस वक्त में ब्रिटिश ने क्या किया, जो है फॉरेन क्लोथ्स जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, और फॉरेन क्लोथ्स को लाके इंडियन मार्केट में बेचने लगा। जैसे हुआ क्या, पाट और मुगा से बनने वाले जो चीजें हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। तो दो चीजें डिस्ट्रॉय ब्रिटिश ने यहाँ पे, एक लोकल इंडस्ट्री कोटी कहेंगे उसको, मुगा जो हमारा कल्चरल एक हिस्सा है आसाम का उसे भी डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण ये था कि देखो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण ये था कि उनका इंडस्ट्री चले, और पाट और मुगा को अनसक्सेसफुल या फिर उसे खत्म करने के पीछे कारण ये था कि उनके कपड़े वो बिकना ज्यादा शुरू हो जाए। As you can see, यहाँ पे जो है जो पिक्चर इनका सामने आ रहा है कि they were doing everything for their benefit, ये वाली बात दिमाग में एकदम ठूस ठूस के रखना, ठीक है। अब हम आगे चले जाएंगे, दूसरे एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल,
एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल का क्या हुआ? कौन है एरिस्टोक्रेटिक? एरिस्टोक्रेटिक मतलब सिंपल शब्दों में कहेंगे तो हाई क्लास पीपल ऑफ अहोम मोनार्की। अहोम मोनार्की के जो हाई क्लास लोग थे ना, उनका क्या हुआ ये पढ़ेंगे इस वाले पैराग्राफ में। उनके साथ क्या हुआ, इन सब सबसे एक सेपरेट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हर चीज को अलग से अलग डायमेंशन में समझा रहा हूं यहाँ पे। सो हाई क्लास जो लोग थे उनका क्या हुआ वो देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे। देखते हैं एरिस्टोक्रेटिक लोगों का क्या हाल होता है। पहले ही लाइन में बताया गया है कि वॉज नो वे बेटर देन द कॉमन पीपल, मतलब उनका हाल और कॉमन लोगों का हाल बिल्कुल बराबर था। वही एरिस्टोक्रेटिक मतलब अहोम टाइम पर जो मणिराम दवान जैसे लोग जिनके पास जमीन जायदाद थी, अपने पास बहुत से कर्मचारियों को रखते थे, काम करवाते थे, बहुत से प्रिविलेजियस थे, है ना, उसे कहते हैं। पर अब क्या है कि ब्रिटिश आने की वजह से एरिस्टोक्रेटिक और कॉमन इंसान में कोई फर्क नहीं रहा, बिल्कुल बराबर हो गया। Some people of Ahom feudal class had tried to associate themselves with the British administration from the very beginning, but due to lack of modern education, majority could not become the part of the new administration. Feudal class मतलब यही लोग, जमींदार, ये सब Ahom monarchy में जो लोग थे इनके बारे में कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो क्या चाहा कि ब्रिटिश के साथ एसोसिएटेड होना चाहा। जब ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया 1826 में आसाम को बर्मिस के हाथों से, तो एसोसिएट होने की कोशिश की पर हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं था भाई, एजुकेशन आई मीन इंग्लिश, मॉडर्न एजुकेशन नहीं था इनके पास। तो नए एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों को तो जॉब मिला, मणिराम दवान को तो ऑब्वियसली मिला, थोड़े बहुत एजुकेटेड थे वो काफी हद तक, बाकी लोगों को जॉब नहीं मिला, समझ रहे हो? तो बाकी लोग ऐसे ही बेकार हो गए। दूसरी तरफ क्या हुआ, ब्रिटिश रूलर्स हैड टू इंपोर्ट एजुकेटेड बंगाली पर्संस फ्रॉम बंगाल। अब इसके लिए क्या होगा कि आसाम में लोग नहीं मिल रहे थे अंग्रेजी जाने काम करे इसके लिए, तो इनको क्या करना पड़ा, बंगाली लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब वेस्ट बंगाल से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा। मतलब जो बंगाली है, बंगाली को क्या आता था, इंग्लिश आता था, कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा बेटर थी। अंग्रेजी बोल लेते थे धर धर करके, मॉडर्न शिक्षा थी इनके पास, तो बंगाली लोग यहाँ पे आ गए। बंगाली लोग यहाँ पे आने की वजह से अहोम लोगों का सेंटिमेंट में बहुत पकड़ा, क्योंकि बंगाली का और आसामिस का जो भी देख रहा है 36 का आंकड़ा है, ठीक है, हमेशा से था रहेगा मुझे लगता है। और ये 36 का आंकड़ा क्यों हुआ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, है ना, असमिस वर्सेस बंगाली हो गया। अब ये लोग अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ये लोगों को ये वाली नहीं आ रही थी, ये क्यों बात करेंगे, ऐसी वाली सेंटिमेंट आ गई। ऊपर में इनका प्लस पॉइंट ये था कि ये अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, समझ रहे हो कितनी डिफिकल्टी हो गई थी, एजुकेटेड बंगाली को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया बंगाल से। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ऑफिशियल द अहोम डायनेस्टी बिगन टू लूज देयर पोस्ट एंड पोजीशंस वेरी फास्ट। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास में जिन लोगों को पहले पोस्ट मिलता था, जमीन का देखरेख करते थे, रेवेन्यू का देखरेख करते थे, ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो है जॉब्स जो है वो जाने लगा बहुत रैपिडली। रैपिडली इनका जॉब जाने लगा, वेरी फास्ट मतलब रैपिडली होता है। और न्यूली अपॉइंटेड बंगाली बाबूस जो थे वो ग्रेजुअली बिगन टू एसर्ट देयर इंपोर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन असम। और फेमस कौन हो रहे थे, बंगाली बाबू लोग, ये सारे लोग इन रिटर्न क्या हो रहे थे, फेमस बन रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, अभी ये जो मैंने अभी अभी पढ़ाया यहाँ पे, जो माइंड मैप तुमने बनाया है उसमें इन चीजों को ऐड करो,
2 मिनट लो, ऐड करो। यहां तक तो हो गए, अब इसके आगे से बात शुरू करेंगे। सो एरिस्टोक्रेटिक की बात ही कर रहे थे हम लोग। एरिस्टोक्रेटिक लोगों की बात कर रहे थे, तो यहां पे ये वाला एक्सटेंशन है उसी चीज का। एसएमएस जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल थे, उनको कुछ पोस्ट मिले हुए थे। ये जो कुछ करते थे, जैसे फुकोन और बड़ुआ, ठीक है, ये कुछ पोस्ट हुआ करते थे आहोम रे रूल के टाइम पर। मौजदार मतलब वो व्यक्ति जो टैक्सेस कलेक्ट करेगा, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अब किस बंगाली को दे दी गई। मारवाड़ीज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, बंगालियन मारवाड़ी को दे दी गई थी रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी। तो इससे हुआ क्या कि ठीक हो जाएगा, इससे हुआ क्या कि तुम्हारे नेटवर्क में तुम लीव मार के ज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगा। यहां पे तो कनेक्शन सही दिखा रहा है। इस एसएमएस एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो और ज्यादा डिप्राइव हो गया। डिप्राइव होने का मतलब क्या होता है? डिप्राइव होने का मतलब है अधिकार से उसको हटा देना। गिराते गए, बंगालीज को मिल रहा था, मारवाड़ीज को प्रिविलेज मिल रहा था, पोस्ट ये लोग होल्ड कर रहे थे पहले, ये सारे इनके हाथ से चले गए। अब बात करते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल किस तरह का जिंदगी बिताते थे एंड स्लेवरी कैसे बंद हुआ। देखो एसमिस एरिस्टोक्रेटिक जो है आहोम रूल के समय लग्जूरियस आलिशान बोल सकते हैं इसको लाइफ बिताते, सर्वेंट्स उनके बहुत सारे चाकर नौकर होते थे, टू केटर फॉर देयर विम्स एंड फैंसीज, मतलब होता है उनके जो नीड्स होते थे या उनके जो डिमांड्स होते थे उनको पूरा करने के लिए नौकर हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे। पर ब्रिटेन ने क्या किया, स्लेवरी को आसाम में बंद कर दिया 1843 में। ये डेट याद रखना, 43 में स्लेवरी को बंद कर दिया, जिसके वजह से जो है लेबर्स की कमी आ गई। ब्रिटिश वर्क करने मतलब एसएमएस लोगों का, एरिस्टोक्रेटिक लोगों का काम करने के लिए फील्ड में काम हो गया, उनका किचन में हो गया, घर में हो गया, ये काम के लिए लेबर अभी मिलने नहीं लगे। तो इनका जो ये पावर था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो पावर था, प्रिविलेज था, सोशल पोजीशन था, ये ब्रिटिश ने 1 मिनट के अंदर गिरा दिया। दे फेल, उनका जो पावर है वो गिर गया। उनको क्या फील हुआ? ह्यूमिलिएटेड, मतलब डिसरिस्पेक्टेड, बेइज्जती फील हुई। उनको डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ। अब यहां पे एक चीज ये है कि स्लेवरी को जो है 1843 में बंद किया गया, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब जो लेबर्स थे उनके लिए बहुत सही रहा होगा, पर माय फ्रेंड ऐसा नहीं है। स्लेवरी सिर्फ आसामीज लोगों के लिए बंद किया गया है, ब्रिटिश के लिए नहीं। तो ये लोग अभी क्या हो गए, मजबूर हो गए। कौन? एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल, अपना काम खुद करने में कंपेल्ड टू परफॉर्म मैनुअल लेबर। उनके घर में उनको खुद काम करना पड़ता था, अपने फील्ड में उनको खुद काम करना पड़ता था, उनको स्लेव्स रखने की कोई सुविधा नहीं दी गई, छीन लिया गया। इस जगह में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्लेव के साथ क्या हुआ।
क्या असल में लेबर्स को फ्रीडम दे दिया? ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी बाय द ब्रिटिश लेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लेव्स एंड लेबर्स इन, तो ये जो स्लेवरी हटाया इससे आहोम जो स्लेव्स थे या जो लेबर्स थे इनको कोई फायदा नहीं हुआ, इनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि इट वॉज एंगेज द ग्रुप ऑफ द पीपल इन लेबरर्स इन द न्यूली एस्टेब्लिश टी गार्डन्स दैट ब्रिटिश दैट दे हैड बीन फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एसमीज एरिस्टोक्रेट्स। एसमीज एरिस्टोक्रेट से फ्री किस लिए किया गया? ताकि इनको जाके ये कहां पे काम करवा सके? टी गार्डन्स पे डाल सके, वहां लेबर्स की जरूरत थी। इसीलिए एसएमएस लोगों के लिए जो है स्लेवरी जो है वो बंद कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश जो वो तो रूलर है वो इन सबको ले जाके डाल दिया, कहां पे? टी गार्डन्स पर डाल दिया इन सारे लोगों को वहां काम करने के लिए। तो यहां पे एक लाइन है देखो, नो इमीडिएट मेजर वेयर एडॉप्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पीपल, इन लोगों को बेनिफिट के लिए कोई नया मेजर नहीं लिया गया। तो ये जो क्लास ऑफ पीपल था, जो लेबरर्स थे, वो ब्रिटिश के साथ बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं थे, सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं थे। ऑब्वियसली कौन सेटिस्फाइड होगा? अब जो यहाँ पे एक हिस्टोरियन के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम के हैं, के बोरपुजारी। इन्होंने भी एक बात बताया कि पंडित के साथ क्या हुआ, पंडित के साथ क्या बताई। उनके मुताबिक जो है कुछ ब्राह्मीण पुरोहित से, पुरोहित मतलब पंडित, पंडित लोगों ने भी ये रिवोल्ट ज्वाइन किया था। क्योंकि गवर्नमेंट ने टुक अवे द एक्सेस ऑफ लाखेरा, इन पुरोहित के पास कुछ जमीन हुआ करता था अनटैक्स्ड लैंड बोलते हैं इनको, लाखे बोलते हैं यहाँ पे, इस बात को अंडरलाइन करके रखना, लाखे राज, ठीक है? मतलब पुरोहित के पास जमीन हुआ करता था और इनको इन जमीन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना, और इन जमीनों को वो ऑक्युपाई करके रखे हुए थे और बहुत सालों से इसको एंजॉय कर रहे थे। जमीन पर उनका फिक्स रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब बहुत साल पहले मान लो 10 रुपए करके देते थे, आज ये रेवेन्यू 1000 हो गया है, लेकिन वो आज भी 10 रुपए देते हैं। ऐसे प्रिविलेजेस पंडित लोगों को था। सो ब्रिटिश ने कहा कि अगर तुम पुरोहित हो, अगर तुम तो भगवान का काम करते हो, तो इनसे जमीन छीन लिया। सो नेचुरली जब जमीन इनसे छीन लिया तो ये भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में चले गए, ये बात भी याद रखना, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे और उसके बाद जो सारे पेजेस है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। अब क्या चीजें हमें यहां पे फोकस करनी चाहिए, किस पर फोकस करेंगे तो सही सही बेनिफिट रहेगा। पहले कंक्लूड कर लेते हैं इस वाले पैराग्राफ को, ये कंक्लूजन है, ठीक है? ये वाली जो पैराग्राफ यहाँ पे दिख रही है ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में एक्चुअल में है क्या, तो कह रहे कि अबव डिस्कशन से हमें क्या पता चला, इंडिया कंपनी जो है वो तीन डेकेड मतलब 30 ईयर्स 7 के 30 साल पहले से, कहने का मतलब है 1800 से, ट्वेंटी सेवन कहेंगे तो सही रहेगा, ये नहीं ये वाला, कॉमन पीपल जो है वो ब्रिटिश से सेटिस्फाइड नहीं थे जब से वो आसाम में आया। आसाम
ब्रिटिश जो है वो 1826 में आके घुसा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से पहले बर्मिस था यहाँ पे। कुछ लोगों ने रेबेलियन के पहले पेज में पढ़ा था, जैसे गोमदोर कॉनवो और प्यू। इनिशियल ईयर्स में इन्होंने ब्रिटिश के साथ रेबेलियन किया, सेटिस्फेक्शन के अगेंस्ट में आहू में एरिस्टोक्रेटिक क्लास को वापस लाना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये जो रेबेलियन है वेयर टू दैट क्लास एंड कॉमन पीपल हैड नो पार्टिसिपेशन, ये लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए, इनका रेबेलियन जो था ये सिर्फ और सिर्फ उनको लेके था, लेके था धनी लोगों को लेके था, इन्होंने कॉमन लोगों को अपने आप में अपने साथ बट इन द इयर्स फॉलोइंग द रिप्रेशन ऑफ जो डिससेटिस्फेक्शन है ब्रिटिश के खिलाफ वो और ज्यादा हुआ बड़ा। कॉमन पीपल नाउ राइज अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ, तरह से कॉमन लोग जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हो गए। ये वाला कंक्लूजन है, इसमें खास कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार रिवीजन में ला लेते हैं। मतलब ये है कि बता देता हूं कि कौन से वाले पढ़ने पड़ेंगे एकदम ध्यान से, ठीक। सबसे पहले इस वाले में इनके बारे में आएंगे, क्या बताया था इन्होंने पुरोहित के बारे में बताया था, लाकेरा जमीन, बात इस वाले पेज में याद रख लेना है। इसको एक राफली याद रखना है, इस वाली बात को, यहाँ पे जो बात बताई गई थी कि इन लेवर्स हटा के टी गार्डन में डाल दिया गया था, बस। लाखेराज क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा लाखेराज क्या होगा, या मीनिंग दिया हुआ है, देखो अनटेक्स्ट लैंड लाखेराज कहते हैं। किनको लाखेराज मिला था, पुरोहित को, पंडित मत लिखना, पंडित मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, पुरोहित को, समझे। तो इस दो पेज में यही है, एक हिस्टोरियन के बारे में पूछेगा, लाखेराज क्या है पूछ सकता है, बस इतना ही है। पहले वाले से पहले अगर आगे चले हम लोग, से आते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा रब कर देते नहीं तो क्लियर नहीं आएगा। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे आ रही है वो है स्लेवरी एबोलिश कब हुई, ठीक है, ये वाले। फिर आ सकता है कि एसएमएस शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, उनको क्या क्या पोस्ट मिलता था, फुकोन, बोडुआ, राजखुआ, ये सब मौजदार वाले पोस्ट इनको मिलते थे, लेकिन बाद में बंगालीज को और महाजन को, माडवारीज को ये वाले काम दे दिए गए थे, इसको याद रखना। ऊपर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि इस वाले लाइन में देखेंगे कि एसएमएस लोगों को, जो आहूम लोग थे, उनको जॉब नहीं मिला, इंस्टेड किन को जॉब मिल गया, बंगालीज को मिल गया, बंगाली बाबूज को जॉब मिला, क्योंकि उनके पास क्या था, एजुकेशन थी। ये बड़े वाले आंसर में ये बात हमको लगेगी। इसे छोड़कर इस वाले पैराग्राफ में अगर हम आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने क्या क्या चीजें तबाह किया, दो चीजें तबाह किया इन्होंने, पहले भी मैंने पॉइंट देके दिया था यहाँ पे, तुम बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हो, यूट्यूब में भी डाल दूंगा। हम लोग देख सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, पाट मुगा को बर्बाद किया, तो ये दो चीजें बर्बाद किया, क्यों, अपने कपड़ों को यहाँ पे फोर्सिबली चलाने के लिए। आ सकता है कि कौन से बीमारियां आई थी, तो तुम लिखना कोलेरा एंड मिजल्स। विलेजेस कौन से में लोग मरे थे, कौन से ईयर में, कौन सी क्वेश्चन आ सकता है, ये वाली है, ठीक है। सेकंड वाले पेज में चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेटा बहुत है। नीचे की तरफ बात करेंगे तो मुफ्त मींस को जो है आनंदराम डेकियल फुकन ने लेटर जो लिखा था, कौन से समय में लिखा था, वो आए थे 1853 में, 53 में ही लिखा था उसने, और इसमें उसने 51 की बात की, क्योंकि 51 में बहुत सारे लोगों को जो है के लिए अपने बच्चों को भी बेचना पड़ा और बीमारी वगैरह ये सब हुई, तो जो उस पेज में था, तो मुफ्त मील आया था, ये वाले बात पूछा जा सकता है।
में आया था तो किसने लेटर लिखा था, ये यहाँ पे और कुछ है नहीं। जिन लोग मनी लेंडर हैं उनका नाम क्या है, मारवाड़ी है, ठीक है, महाजन सन मारवाड़ी है, एक ही चीज है। इनका दूसरा एक में किया कम्युनिटी, किया नाम याद रखना, और बंगाली ये भी दूसरे क्लास ऑफ पीपल थे, ये नंबर वन, ये नंबर टू। इसे छोड़कर यहाँ पे और खास कुछ है नहीं है, स्टेटिस्टिक्स थोड़ा देख लेना, इसमें से मुझे नहीं लगता सवाल आएंगे, अब तक तो नहीं देखा मैंने, ठीक है। ब्रिटिश ने कैश इंट्रोड्यूस किया था वो तो हमको पता ही है, पहले वाले पेज में हम चले जाएंगे अभी। तो यहाँ पे खास कुछ है नहीं, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, गोमदुर कौनो और पियोली फेल हो गए ब्रिटिश के सामने। और कैश इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने, सिंपल से अगर आए तो कैश कब इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने, तो तुम लिखना के बाद, जब से ब्रिटिश यहां पे आया तब से हुआ है, ठीक है। अब ये वही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात, बड़े क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वैसे मैंने तुम्हें आंसर ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक सवाल यहां पे आ सकता है कि एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग के बारे में लिखो, ये जो अपराइजिंग है इन जनरल, फार्मर्स का नहीं बोल रहा है, इन जनरल बोलेगा, इसके बारे में लिखो। तो जब इसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है, जब इसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा तो तुम्हें एक चीज ध्यान में बहुत रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं जो है यहां पहले से बता रहा हूं, ब्रिटिश आया क्या हुआ, कैश कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मारवाड़ी महाजन ये सब लोग आए, आंसर्स में वैसे हैं, इतना दिक्कत नहीं होएगा। न्यू पॉलिसी पूछ सकता है कि न्यू रेवेन्यू पॉलिसी उसका असर क्या पड़ा ब्रिटिश लोगों के ऊपर, आसामीज लोगों के ऊपर उसका असर क्या पड़ा, ये मतलब अंदर से पूछे तो ये पूछ सकता है। या फिर इसे पूछ सकता है कि इस कैश इकोनॉमी की वजह से इसका इंपैक्ट क्या आया, तीन पॉइंट्स में लिखना है इंपैक्ट क्या आया। तो तुम यहां पे लिख सकते हो कि लोगों का हाल खराब हो गया, खाना नहीं मिला लोगों को, महाजन्स और बिजनेसमैन के अंडर में फंस गए, और ग्रेन के लिए अपने बाल बच्चों को बेचना पड़ा, इस तरह का चीजें लिख सकते हैं। इस वाले पेज में यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को कैसे एक्सप्लोइट किया, ये सवाल आ सकता है। और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में मेनली यहाँ पे सवाल आ सकता है कि उनका कंडीशन कैसे डिटोरिएट हुआ, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल है ना, इनका कंडीशन कैसे डिग्रेड हुआ, गिरा कैसे, ये सब यहाँ पे है। अगर इनको हम फोकस करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, तुम बाद में देखोगे तो तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। लास्ट यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लाखेराज के बारे में 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। आने वाले क्लासेस में मैं इस चैप्टर को और डिटेल में करवाऊंगा। अब के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे डिटेल्स, इनको फोकस करो, बस इतना ही है। और जो माइंड मैप तुमने बनाया है उसमें पॉइंट्स ऐड कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, अटेंडेंस दे देना नए लोगों को तो।